रहीम, सब आवाज सुन रहे हैं ना मेरी? ठीक यस सर, यस सर, जी है, देखिए मैंने सर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सॉरी फॉर लेट। ठीक है, तो देखिए चैप्टर टू हमने स्टार्ट लेना है। ठीक है, हर चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, बेसिक एलिमेंट्स एंड टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ये आपको शेयर हो रहा है ना चैप्टर? ठीक यस सर, है, तो देखिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं, चैप्टर टू है ये। ठीक है, बेसिक एलिमेंट्स देखो एंड टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, देखो इसका मतलब क्या है कि बेसिक एलिमेंट्स जो है हम बताएंगे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए सेवन आइटम्स आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ स्टेटमेंट। एक्सक्यूज मी सर, सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रही। दीज आर एज अंडर, देखो नंबर वन अंडर सिक्योरिटी। सर आपकी वॉइस बहुत कट रही है, सर आपकी वॉइस बहुत कट रही है, कुछ समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं, सब ब्रेक हो रहा है। हेलो, आवाज आ रही है? देखो यस सर, आ रही है, सर आ रही है। ये हमने एलिमेंट्स आपको बताया, एसेट्स लायबिलिटीज स्टॉक होल्डर इक्विटी। ठीक है, दैट कंटेन्स कैपिटल स्टॉक रिटेन अर्निंग्स विद रेवेन्यूज एक्सपेंसेस डिविडेंड्स एंड ड्राइंग्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसके अंदर इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड भी आइटम आ गए और बैलेंस शीट से भी रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहले एसेट्स को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज एसेट्स। देखिए व्हाट इज एसेट्स, देखो एनी आइटम ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू ओन बाय ए सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप और कॉरपोरेशन। ठीक है, कोई भी कंपनी हो, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो, सिंगल ओनर, अ पार्टनरशिप मोर देन वन, ठीक है, टू थ्री फोर, या कॉरपोरेशन हो, है लिमिटेड कंपनी हो, वो अगर एनी आइटम ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, यानी कि ओन बाय ये ओन किया हुआ उसकी उसकी प्रॉपर्टी हो, बाय ये सोल प्रोप्राइटरशिप आ पार्टनरशिप कॉरपोरेशन, उसको कहते हैं एसेट्स। ठीक, एग्जांपल्स एसेट्स की है, देखो कैश है, सिक्योरिटीज, कल भी बताया था सिक्योरिटीज मींस कि आपके पास शेयर्स आपने परचेज किया हुआ किसी कंपनी को। ठीक है, अकाउंट्स रिसीवेबल, ठीक है, यानी कि सेल्स मेड ऑन क्रेडिट, इन्वेंट्रीज, ठीक है, जो आपके पास इन्वेंट्री का मतलब जो आपकी सेल कुछ बेचेंगे, है अगर कोई मर्चेंडाइजिंग कंपनी है तो वो इन्वेंट्री सेल कर रही होगी। ठीक है, और फिनिश गुड्स है तो इसका मतलब वहाँ इन्वेंट्री जो होगी फिनिश गुड्स भी होगी, WIP भी होगी, वर्क इन प्रोसेस भी, रॉ मटेरियल्स भी, है जो फिनिश गुड्स होगी वो कंपनी बेच रही होगी अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है, यानी कि फिक्स एसेट्स, रियल इस्टेट ये भी फिक्स एसेट्स हो गया, लैंड वगैरह, कार, बिल्डिंग, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, ऑन ए बैलेंस शीट एसेट्स आर इक्वल टू द सम ऑफ लाइबिलिटीज एंड स्टॉक होल्डर इक्विटी। ठीक है, ये हमेशा एसेट्स जो है, कल भी आपको बताया था कि ऑलवेज इक्वल टू इक्विटी एंड लाइबिलिटीज एंड स्टॉक होल्डर इक्विटी, एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस स्टॉक होल्डर इक्विटी है, और इसको कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन है ये। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस स्टॉक होल्डर इक्विटी। ठीक है, वो हमारी ये अकाउंटिंग इक्वेशन है कि एसेट हमेशा बराबर होगा, है अगर आपके पास लाइबिलिटीज 40 मिलियन है तो इसका मतलब आपके पास स्टॉक होल्डर इक्विटी 60 मिलियन है। स्टॉक होल्डर इक्विटी का मतलब क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एंड दिस इज द क्लेम है, स्टॉक होल्डर इक्विटी बता रहा है कि क्लेम एसेट्स के ऊपर क्लेम जो है स्टॉक होल्डर्स का कितना है। अगर 100 मिलियन का एसेट्स है
60 मिलियन अगर स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी है, इसका मतलब 60% है उस पर क्लेम है एसेट्स के ऊपर, बाकी 40% आउटसाइडर्स का क्लेम है। ठीक है, क्लियर हो गया एसेट्स? बोले यस सर, क्लियर है सर। एक और दफा बता दें प्लीज। देखिए एसेट्स कोई भी चीज कंपनी के पास है जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू है ओन्ड बाय द कंपनी, कंपनी की वो प्रॉपर्टी हो, कंपनी ने उसको परचेज किया हुआ है। ठीक है, चाहे वो कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप हो, ठीक है, पार्टनरशिप हो या कॉरपोरेशन है, ओन्ड बाय द कंपनी इज कॉल्ड एसेट्स। ठीक है, और इसकी एग्जाम्पल से आपको देखो कैश सिक्योरिटीज अकाउंट रिसीवेबल इन्वेंट्री ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है, कार फर्नीचर बिल्डिंग सब चीजें एसेट्स हैं आपके। ठीक है, ऑन दी और बैलेंस शीट में हमेशा एसेट्स बराबर होगा लायबिलिटीज और स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी के। ठीक है, इसको कहते हैं सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही यार। ये मेरा नेट क्या मेरा नेट का नेट का इशू है सर, का नेट का इशू है। अच्छा सर का नेट वहां से हो रहा है सर, आवाज की कट गई थी आपकी आवाज की। कट रही आवाज? यस सर, समझ नहीं आया सर, आपने जो बताया वो कुछ समझ नहीं आया, सारी आवाज कट गई आपकी। एक सेकंड स्टार्ट वीडियो पे पता नहीं क्यों क्लिक वो आ रहा है, क्रॉस आ रहा है सर, क्यों आवाज चली गई यार? ए अब आवाज आ रही है देखो। जी सर आ रही है अब। यस सर, यस सर आ रही है। सर आपने बताया कुछ समझ गया। चले देखो लायबिलिटी, व्हाट इज लायबिलिटी? देखिए एन ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटिटी अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स। ठीक है, एन ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटिटी, देखो ऑब्लिगेशन इसका मतलब ये हुआ कि हमने कोई पास्ट में ट्रांजैक्शंस किया और वो पे नहीं किया। ठीक है, एन ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटिटी अराइजिंग फ्रॉम पास्ट ट्रांजैक्शन इवेंट्स दैट इज परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट सैलरीज एंड वेजेस ऑफ वर्कर्स नॉट पेड येट एट मंथ एंड। ठीक है, तो ये लायबिलिटी आएगी। देखो एन ऑब्लिगेशन ऑफ एंटिटी अराइजिंग फ्रॉम पास्ट ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स दैट इज परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, सैलरीज एंड वेजेस ऑफ वर्कर्स नॉट येट पेड एट मंथ एंड, इससे जो लायबिलिटी आए इसको कहेंगे लायबिलिटी के ट्रांजैक्शंस अकर हुआ और पैसा नहीं दिया। ठीक है, पेमेंट कंपनी ने नहीं दी, जैसे परचेज किया एसेट्स को, ठीक है, और कंपनी ने पेमेंट नहीं की तो लायबिलिटी अराइज हो जाएगी पास्ट ट्रांजैक्शन में। वर्कर्स ने काम किया उसके हमने पेमेंट अभी तक नहीं की है तो लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। सैलरी वेजेस एक्सपेंस डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट, यानी कि सैलरीज पेबल क्रेडिट, राइट? तो ये लायबिलिटी की डेफिनेशन है। एन ऑब्लिगेशन ऑफ एंटिटी अराइजिंग फ्रॉम पास्ट ट्रांजैक्शंस इवेंट दैट इज परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट है, उधार खरीदा, सैलरीज वेजेस ऑफ वर्कर्स नॉट येट पेड, सैलरी इनकर हो गई और पे नहीं किया एट मंथ एंड। ठीक है, तो इसकी ये लायबिलिटी कहलाती है। और ओनर सिक्योरिटी क्या है या स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी? इट इज इक्वल टू द रिपोर्टेड एसेट्स अमाउंट माइनस द रिपोर्टेड लायबिलिटीज अमाउंट, इनका डिफरेंस है। ओनर सिक्योरिटी जो है या स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी, इट इज इक्वल टू द टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज इक्वल टू द ओनर सिक्योरिटी। इट मे बी कंसिस्टिंग ऑफ कैपिटल स्टॉक, लेकिन ये इसमें कैपिटल स्टॉक भी हो सकता है, रिटेन अर्निंग्स भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन इनका सम जो है वो हमेशा बराबर होगा डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो इनका जो डिफरेंस है वो हमेशा इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ठीक है, समझ गए? अब आज आगे सर आगे आ जाइए। देखिए नंबर फोर्थ रेवेन्यू क्या है। देखिए रेवेन्यू, देखिए
it is the total amount of money received or to be received by the company for goods sold or services rendered provided during the it is the amount of money received or to be received by the company for goods sold, goods ko sold kiya ya service render kiya, provide kiya, theek hai, chahe paisa mila ya nahi mila wo revenue record ho jayega, theek hai, samajh gaye, revenue kya hai, ke humne goods ko sold kiya, theek hai, sold goods sold or services rendered, yani ke koi service company hai, services rendered या प्रोवाइडेड ड्यूरिंग ए सर्टेन टाइम पीरियड, जैसे हमने पूरे महीने में जो गुड्स को सोल्ड किया उसको या सर्विस रेंडर किया तो वो सब रेवेन्यू है, वेदर वी रिसीव द मनी आर नॉट, राइट। अगर एंट्री बार बार क्या हो रही होगी, जब भी सेल होगी, ठीक है, या अगर कैश मिल रहा होगा तो कहेंगे भाई कैश डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट, अदरवाइज अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट, ये है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि रेवेन्यू ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई एक चीज 20,000 रुपीस की है और उसको 20,000 रुपीस की बेच दी तो वो 20,000 रुपीस जो है उसका रेवेन्यू हुआ। जी जी बिल्कुल सही है, यू आर राइट, रेवेन्यू होगा उसका, ठीक है, गुड सोल्ड की इस पर्पस के हमने के सेल कर रहे हैं तो वो आपका रेवेन्यू है, ठीक है, और पैसा आपको एक पैसा भी नहीं मिला लेकिन रेवेन्यू हो गया वो, ठीक है, क्योंकि गुड सोल्ड कर दिए ना आपने, अपनी गुड्स को डिलीवर कर दिया तो इंटाइटलमेंट हो गया आपका रेवेन्यू का, ठीक है, क्लियर। तो सर उसमें से कुछ उसमें कुछ डिडक्शन नहीं होगी रेवेन्यू से, अगर जैसे कि हम कुछ डिडक्शन करेंगे तो फिर वो एंट्री क्या कहलाएगी, वो फिर रेवेन्यू तो रहेगी नहीं, ऐसी डिडक्शन रिटर्न हो गया, मतलब डिडक्शन कैसी, किस टाइप का डिस्काउंट मिल रहा है या क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 20,000 रुपीज चीज है, 20,000 में बेच दिए लेकिन उसको जो है 15,000 की वो कॉस्ट करती है, तो 15,000 तो उसकी वो कॉस्ट उस चीज को कॉस्ट पड़ी है लेकिन उसने 20,000 रुपीज में बेचा है तो इसमें रेवेन्यू क्या हुआ, कॉस्ट क्या हुआ। देखो प्रॉफिट, देखो रेवेन्यू तो जैसे 40,000 रुपए की बेची, देखो दूसरे स्टूडेंट भी गौर से सुने, 40,000 की बेची और उसकी कॉस्ट थी पता लगा 15,000, तो वो तो आपका प्रॉफिट हो गया ना, फिर ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, रेवेन्यू तो 40,000 ही रहेगा, ठीक है, लेस एक्सपेंसिव, सारे एक्सपेंसेस जब रेवेन्यू में से माइनस करते हैं तो वही तो प्रॉफिट होता है, ठीक है, रेवेन्यू तो अपनी जगह रहेगा 40,000, और रेवेन्यू कम रिड्यूस हो सकता है कि आपने 40,000 की चीज बेची उसमें से 2,000 कस्टमर ने वापस कर दिया ड्यू टू सम रीजन कि डिफेक्टिव है, फिर रेवेन्यू कम हो जाएगा आपका, 38,000 हो जाएगा, बात समझे मेरी। लेकिन पहली एंट्री जो है वो बेची है तो वो रेवेन्यू कहलाएगी, फिर उसके बाद डिडक्शन के बाद जो है वो फिर प्रॉफिट निकल आएगा। वो जो डिडक्शंस हो गए वो तो एक्सपेंसिव की आप बात कर रहे हो ना, वो तो फिर आपका एक्सपेंसिव तो प्रॉफिट आ जाएगा ना, फिर रेवेन्यू तो 40,000 ही रहा, अब नेट प्रॉफिट निकालने के लिए सारे एक्सपेंसिव माइनस करेंगे तो कंपनी ने जो प्रॉफिट अर्न किया उसमें से एक चीज बेची है तो उसमें प्रॉफिट कितना है, तो एक्सपेंस माइनस करोगे ना। एक दुकानदार है उसने चीजें पूरे महीना 5,00,000 का माल बेचा तो उसका सारा प्रॉफिट तो नहीं है, वो रेवेन्यू तो 5,00,000 हुआ लेकिन पता लगा सारा एक्सपेंसिव था 2,00,000, तो प्रॉफिट कितना हुआ 3,00,000 माइनस करके, क्लियर हुई, क्लियर हो गई बात। जी सर क्लियर हो गई कि प्रॉफिट जो है वो 2,00,000 रुपए निकला बाकी कॉस्ट निकाल के, वो प्रॉफिट हो गया। अच्छा देखो एक्सपेंस क्या है, इट इज मनी स्पेंट अ कॉस्ट इनकर्ड टू जनरेट करंट ईयर रेवेन्यू। ये देखो यहां से मेरे पे सवाल है, देखिए एक सेकंड, देखो एक्सपेंसेस क्या है, देखो इट इज, देखो ये रेवेन्यू जनरेट करने में आपको एक्सपेंस भी तो इनकर करने पड़ेंगे ना, वर्कर्स को पेमेंट करनी पड़ेगी सैलरी है, आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करेंगे, ठीक है, वो सब एक्सपेंस होंगे। तो क्या देखो एक्सपेंस क्या है, इट इज अ मनी स्पेंड और कॉस्ट इनकर टू जनरेट करंट ईयर रेवेन्यू, दैट इज ये क्या है, देखो जैसे सैलरीज एंड वेजेस, यूटिलिटी बिल, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और फिक्स एसेट्स एटसेट्रा, ठीक है, ये एक्सपेंस हो गए। अब इनका जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट होगा आपका, इनका जो डिफरेंस होगा ना वो प्रॉफिट होगा। और भाई कौन से स्टूडेंट कह रहे हैं, कुछ क्वेश्चन है, ठीक है सर, ये मोहम्मद जावेद को करना है। सर इनकम और रेवेन्यू में क्या होगा, क्या बोलो
सर वो पूछ रहा है कि इनकम और रेवेन्यू में क्या फर्क है सर? इनकम और रेवेन्यू में फर्क क्या है? और रेवेन्यू में सर इनकम का मतलब है प्रॉफिट, ठीक है, इनकम कह लो, नेट इनकम या नेट प्रॉफिट, इसका मतलब क्या होता है कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट या नेट इनकम, बात समझे? सलमान भाई अपना माइक बंद कर दें प्लीज। नेक्स्ट आइटम है, जल्दी चलो, नेक्स्ट आइटम है एक्सपेंस हमने ले लिया, अब हम ले रहे हैं ड्राइंग। देखिए एक्सपेंस के बाद हमने कहा ड्राइंग क्या है, ठीक है, नेक्स्ट आइटम है ड्राइंग, फिर डिविडेंड भी आता है, डिविडेंड पहले है, यस सर, डिविडेंड पहले, ठीक है, डिविडेंड पहले डिस्कस करते हैं। सम ऑफ मनी पेड बाय अ कॉर्पोरेशन टू इट्स शेयर होल्डर्स आउट ऑफ इट्स करंट ईयर्स प्रॉफिट और रिजर्व्स। देखो डिविडेंड्स क्या है, जब कंपनी प्रॉफिट में से शेयर होल्डर्स को पे करेगी ना तो उसको कहेंगे डिविडेंड। डिविडेंड इज नॉट एक्सपेंस, याद रखो, डिविडेंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू शेयर होल्डर्स। ये वहां पर डिविडेंड आएगा जहां पर कॉर्पोरेशन होगी, शेयर इशू किए हुए लिमिटेड कंपनी है वहां पर डिविडेंड आएगा, ठीक है, वरना तो अगर पार्टनरशिप है या सोल प्रोप्राइटरशिप है वहां ड्राइंग्स आएगी, डिविडेंड नहीं आएगा, ठीक है, ड्राइंग को भी समझो पहले। डिविडेंड सम ऑफ मनी पेड बाय द कॉर्पोरेशन टू इट्स शेयर होल्डर्स आउट ऑफ इट्स करंट ईयर प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट निकालने के बाद ये पे हो रहा है, इसका मतलब ये दिस इज नॉट एक्सपेंस, ठीक है, आपका जो है प्रॉफिट आया उसमें से आपने कुछ डिविडेंड पे कर दिया तो वो आपका कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, राइट। और ड्राइंग्स क्या, देखो विथड्रॉल्स ऑफ कैश और अदर एसेट्स फ्रॉम अ सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म फॉर द पर्सनल यूज ऑफ द ओनर, ठीक है, इसका मतलब क्या है, मिसाल के तौर पर एक दुकानदार है, और से सुनो है? वो दुकानदार की जो चीजें है ना, जो चीजें वो बेच रहा है, फर्ज करो वो उसमें से कुछ आइटम्स इन्वेंट्री कोई आइटम एनी आइटम वो अपने घर ले जाए, ठीक है, उसकी वैल्यू 5,000 है तो वो ड्राइंग कहलाएगा, चाहे कैश ले जाए या इन्वेंट्री को ले जाए अपने घर के पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, वो एक्सपेंस नहीं होगा, वो ड्राइंग कहलाएगा, ठीक है। विड्रॉल्स ऑफ कैश अदर एसेट्स फ्रॉम अ सोल प्रोप्राइटरशिप आर ए पार्टनर फर्म फॉर द पर्सनल यूज ऑफ द ओनर, ओनर या ओनर्स, ओनर्स जब होगा जब पार्टनरशिप होगी तो ओनर्स होंगे, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है एस को, ठीक है, तो समझ गए दोनों का फर्क, डिविडेंड्स का और ड्राइंग का, क्लियर हो गई बात? डिविडेंड एक तो एक दफा दोबारा बताएगा, डिविडेंड इज द डिविडेंड है, डिविडेंड इनकम नहीं है, अगर आप इनकम कह रहे थे, डिविडेंड इज द सम ऑफ मनी पेड बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स आउट ऑफ इट्स करंट ईयर्स प्रॉफिट, ठीक है, जो कंपनी ने शेयर इशू किए हुए ना तो वो डिफरेंट शेयर होल्डर्स के पास होंगे ना, सपोज 10 शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, उन्होंने आपके शेयर्स परचेज किए हुए, किसी ने 20,000 का, किसी ने 25,000 का, किसी ने 1,00,000 रुपए का, ठीक है, अब कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड उस शेयर होल्डर्स को मिलेगा, ठीक है, जो प्रॉफिट आएगा उसमें से वो डिविडेंड देगी, राइट, जैसे 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट आया, ठीक है, सुनो गौर से, 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट आया, अब उसमें से 20,000 रुपए डिविडेंड पे कर दिया शेयर होल्डर्स को, तो बाकी कितना बचा 80,000, ये 80,000 रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर देगी कंपनी, रिटेन प्रॉफिट वो बैलेंस शीट में चला गया, 20,000 कंपनी ने बांट दिया डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दे दिया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया हुआ है ना, आपके शेयर परचेज किए तो वो भी तो उनकी एक्सपेक्टेशन है ना कि हमें डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, वरना आपके शेयर्स कौन खरीदेगा, इस लालच में खरीद रहा ना शेयर होल्डर्स कि हमें डिविडेंड मिलेगा हर साल, राइट, क्लियर हो गया? यस सर, यस सर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए ये अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आए कि ये देखिए अब हम पढ़ रहे हैं आपसे, आपको बता रहे हैं कि
व्हाट इज मेंट बाय, देखिए व्हाट इज मेंट बाय डेबिट एंड क्रेडिट, अब ये समझना बहुत जरूरी है। बेसिक अकाउंटिंग पढ़ रहे हो आप, क्लियर होना चाहिए कि डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट ये आप लोग अक्सर सुनते भी रहते हो कि मेरा अकाउंट डेबिट कर दिया बैंक ने या क्रेडिट कर दिया। ठीक है, देखो डेबिट का मतलब क्या है इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बुक कीपिंग। डेबिट इसको डी आर भी लिख सकते हैं या पूरा लफ्ज है डेबिट, इज एन एंट्री मेड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट। ठीक है, आपकी जो एंट्री होती है ना, देखो एंट्री आपको भी फिर बताएंगे कि एंट्री जब की जाती है तो एक डेबिट करते हैं, एक लेफ्ट साइड पे अमाउंट लिखते हैं, एक क्रेडिट राइट साइड पे अमाउंट लिखते हैं। ठीक है, जब हम एंट्री करेंगे ना, जैसे सेल हमने किया तो हमने लिखा कैश पे सेल किया, तो कैश डेबिट और सेल क्रेडिट, उससे जो डेबिट हो रहा है वो कैश हो रहा है, तो उसको हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे और राइट साइड पे क्रेडिट करेंगे, उसको राइट साइड पे जो लिख रहे हैं वो क्रेडिट है। ठीक है, अब ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है, किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे ये भी अभी समझोगे आप। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुक कीपिंग डेबिट इज एन एंट्री मेड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट। सर वॉल्यूम बहुत थोड़ा, आपका आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, करनी थोड़ा सा इसको देखें। ये इस पे आ रहा है स्टार्ट वीडियो क्रॉस हो रहा है, कह रहे यू कैन नॉट स्टार्ट। यार आवाज आ रही है सर की? नहीं सर का माइक ऑफ हो गया। हेलो, अब आवाज आई सही, क्लियर हुई? यस सर। कैन यू प्लीज रिपीट? ठीक है, डेबिट ये हम समझ रहे हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखिए इसको अच्छी तरह समझ के उठना। ठीक है, जब तक नहीं समझ आए आप सवाल कर सकते हो। सर मेरा सवाल है नौफिल, मेरा एक सवाल है सर, डेबिट मतलब मींस वो चीज है ना, जब पैसा आपके पास से जा रहा है तो दैट मींस डेबिट, क्रेडिट वो चीज के जब पैसा आपके पास आ रहा है तो दैट मींस क्रेडिट। नहीं ऐसा तो नहीं, आप मुझे प्लीज समझाएं। देखो डेबिट का मतलब है, अभी आपको बताते हैं, इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग और इन बुक कीपिंग डेबिट इज एन एंट्री मेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट। पहले तो इसको समझो, डेबिट इज एन एंट्री मेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट। ठीक है, इट इंक्रीज, इट आइदर इंक्रीज एन एसेट और एन एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, अगर डेबिट कर रहे हो ना तो आपका जो एसेट अकाउंट है ना वो इंक्रीज हो रहा होगा और एक्सपेंस हो रहा होगा वो भी इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, समझ गए? अगर डेबिट आप कर रहे हो तो आपका एसेट इंक्रीज होगा और एक्सपेंस भी इंक्रीज होगा, और डिक्रीज हो, और डेबिट करने से इक्विटी, इक्विटी आपकी इक्विटी और लायबिलिटी और रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देखो इट इंक्रीजेज एन एसेट और एन एक्सपेंस और डिक्रीजेज इक्विटी लायबिलिटी और रेवेन्यू अकाउंट, समझे? देखो एक चीज में मिसाल दो। सर आवाज नहीं आ रही। क्लियर आ रही है आवाज सर की? नहीं यार, कोई कह रहा आ रही है। आप अपना माइक चेक कर लो। सर आपकी क्लियर आवाज आ रही है? चलो देखो गौर से सुन, मेरी बात सुनो, आप एक मेरी एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको कि जब आप बैंक से पैसा निकालते हो ना, बैंक से जब पैसा आपने अपना निकालते हो, जैसे एटीएम कार्ड से आपने पैसा निकाला, तो आपके पास आपके मोबाइल पे क्या मैसेज आता है? कभी एक्सपीरियंस हुआ होगा ना, क्या मैसेज देता है बैंक? योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। डेबिटेड, पैसे जा चुके हैं, पैसे निकल चुके हैं।
देखो बैंक की, वो बैंक की लायबिलिटी है, बैंक तो बैंक से पैसा, देखो उसने पैसा नहीं लायबिलिटी पे कर दी, बैंक ने लायबिलिटी पे कर दी, जब लायबिलिटी पे की जाएगी तो डेबिट की जाएगी, ठीक है। बैंक ने तो आप अपने पास है, आप अपने पास डेबिट करोगे एसेट को, कैश को डेबिट करोगे तो आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है, और बैंक डेबिट कर रहा है अपनी लायबिलिटी को, वो डेबिटी आपकी रिड्यूस हो रही है, ठीक है। आप डेबिट कर रहे हो तो आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एसेट है, और लायबिलिटी जब डेबिट होगी तो वो डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब वो पे हो रही है। देखो अभी सेंटेंस को पढ़ो, देखो एक तो डेबिट आपको बताया कि डेबिट इज एन एंट्री मेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट, ठीक है। दो एंट्री होती है, डेबिट और क्रेडिट, लेफ्ट साइड वाली जो होती है वो डेबिट है, और कब होगी, इट आइदर इंक्रीजेज, या तो ये एसेट को या एक्सपेंस को इंक्रीज करेगा, या फिर डेबिट क्या है, डिक्रीज करेगा किसको, इक्विटी को, लायबिलिटी को, रेवेन्यू को। अगर इक्विटी और लायबिलिटी और रेवेन्यू को डिक्रीज करना है तो हम डेबिट करेंगे, इसीलिए तो बैंक आपके जब आप पैसा निकालते हो तो कहता है आपका अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, इसका मतलब वहां पर आपने तो आपका पैसा उसने रखा हुआ है ना, उसके लिए तो वो लायबिलिटी है, इसलिए उसने डेबिट कर दिया। जब आप पैसा जमा कराते हो बैंक में तो वो कहता है आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, लायबिलिटी बढ़ गई, बैंक की लायबिलिटी बढ़ गई है, उसने उसने लायबिलिटी में क्रेडिट कर दिया, कैश डेबिट किया और लायबिलिटी को क्रेडिट कर दिया, मिस्टर जावेद है उसको पे करना, समझे। एंड क्रेडिट, एक क्रेडिट, अब देखो एक क्रेडिट इज एन एंट्री मेड ऑन द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट, ठीक है, इट आइदर इंक्रीजेस इक्विटी, अब देखो क्रेडिट की बात हो रही है, राइट साइड पे एंट्री होगी, ये या तो इक्विटी को इंक्रीज करेगा, लायबिलिटी को इंक्रीज करेगा, या रेवेन्यू को, और डिक्रीज किसको करेगा, डिक्रीज एन एसेट और एक्सपेंस, डिक्रीज होगा क्या क्या, एसेट और एक्सपेंस, ठीक है। अगर हम क्रेडिट जो है जब भी किया जाएगा, जब हमारा डिक्रीज एसेट अगर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि जैसे कैश पे कर रहे हो आप अपना कैश पे कर रहे हो तो कैश क्रेडिट होगा क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, ठीक है। अब बताओ डेबिट क्रेडिट क्लियर हुआ सर? सर डेबिट सर एक सर वन क्वेश्चन, हाँ पूछो सर। ये जो डेबिट और क्रेडिट का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसको लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है, उसको राइट साइड पे लिखा जाता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, बस ये बात कंफ्यूज हो रही है कि डेबिट में इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकता है और क्रेडिट में भी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, ये चीज़ आप थोड़ा सा मतलब बता सकते हैं, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन आ रही है, इंक्रीज भी हो रहा है दोनों में और डिक्रीज भी हो रहा है दोनों में। देखिए जब आपको यहाँ पर क्लियरली बताया, एक तो ये समझ गए आपके डेबिट कब एंट्री मेड ऑन लेफ्ट साइड तो डेबिट किया गया और राइट साइड पे तो क्रेडिट, ठीक है। लेकिन अगर डेबिट हम किसको करेंगे, एसेट और एक्सपेंस, देखो गौर से सुनो, डेबिट उस वक्त होगा अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है और या एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट किया जाएगा है? अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है या एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे, और इक्विटी हमारी यानी कि रेवेन्यू या इक्विटी है या लायबिलिटी या रेवेन्यू है, इक्विटी का मतलब वही आपका कैपिटल स्टॉक रिटेन अर्निंग्स, ठीक है। इक्विटी और लायबिलिटी और रेवेन्यू अगर ये डिक्रीज होगा तो इसको हम डेबिट करेंगे, और एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, लेकिन ये आपके डिक्रीज होंगे तब डेबिट किए जाएंगे, बस ये चीज है। वो तीन दो आइटम जो है अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट कर रहे हैं, किस किस को, एक्सपेंस को और एसेट को, ठीक है। और तीन आइटम जो है वो आपके डेबिट हो रहे हैं अगर डिक्रीज होंगे। तो आपको और क्लियर आसानी से समझ आ जाएगी, देखो इनकम स्टेटमेंट आइटम, आप इनकम स्टेटमेंट आइटम्स क्या होते हैं, देखो देखिए, हेलो जी सर आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है सर, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे भी और मैं समझाता हूँ, देखो शायद अब आपको समझ आ जाएगी, ये रूल भी तो है, ये देखिए
रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट फॉर अबव आइटम्स एसेट, देखो फिर से बता रहे हैं, देखो एक याद रखो एसेट का नॉर्मल बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, याद रखो एसेट का नॉर्मल बैलेंस यानी कि एसेट क्रेडिट बैलेंस जो बचेगा ना एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस बचेगा, ठीक है। और एसेट इंक्रीज इन, देखो ये रूल बता रहे हैं आपको, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, जो नॉर्मल बैलेंस होगा उसी हिसाब से वो डेबिट होगा। देखिए एसेट क्या है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, ठीक है। बेसिक रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, देखिए इंक्रीज इन एसेट इज ऑलवेज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। और देखो लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी, अब पहले इंक्रीज की बात कर रहे हैं ना, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिटेड और डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिटेड। स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी, ठीक है, नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट, इस तरह लायबिलिटी का भी नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट, ठीक है। इंक्रीज इन स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी क्रेडिट और डिक्रीज इन स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी इज डेबिटेड, ये रूल आपने याद रखने, ठीक है। एक और रह गया एक्सपेंस, देखिए एक्सपेंस, इंक्रीज इन एक्सपेंस इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एक्सपेंस इज क्रेडिटेड। डिविडेंड्स, इंक्रीज इन डिविडेंड इज डेबिटेड, डिक्रीज इन डिविडेंड इज क्रेडिटेड। इस तरह रेवेन्यू, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इन रेवेन्यू इज डेबिटेड। ड्राइंग, इंक्रीज इन ड्राइंग इज डेबिटेड और इन डिक्रीज इन ड्राइंग इज क्रेडिटेड, ठीक है। तो अब मैं आपको समरी इसकी बताऊं, देखो देखो अब शॉर्ट में आप इसको समझो, सर आपकी आवाज फिर ब्लॉक हो गई, कि अगर एसिड, गौर से सुनो मेरी पेंस, देखो एसिड, ठीक है, आवाज क्या है, आ रही है आवाज ना, नहीं बीच में भी 3 सेकंड के लिए ब्लॉक हो गई थी, तो चलो ठीक है। देखो एसिड और एक्सपेंस है, जब भी इंक्रीज होंगे तो डेबिट किए जाएंगे, है कौन कौन से आइटम, एसिड और एक्सपेंस, दो ही आइटम है, देखो एसिड एक्सपेंस, ठीक है, और एक ये आपका है ड्राइंग, ठीक है। देखो एसिड एक्सपेंस डिविडेंड और ड्राइंग, ये जब भी इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, ठीक है। और आपकी जो है बाकी क्या बचा, लायबिलिटी और रेवेन्यू, ठीक है। देखो लायबिलिटी रेवेन्यू और स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी, जब इंक्रीज होगी तो क्रेडिट किया जाएगा। देखो एसिड एक्सपेंस ड्राइंग डिविडेंड, जब इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे। और लायबिलिटी के केस में क्या है, लायबिलिटी स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी और रेवेन्यू, जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट किया जाएगा, ये डेबिट नहीं किया जाएगा, ये क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। और वाइस वर्सा डेबिट होगा। अब एसिड को ले लो, क्रेडिट एसिड कब होगा, जब एसिड डिक्रीज होगा, जब एसिड डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे, एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे, ड्राइंग और डिविडेंड्स डिक्रीज होगा तो क्रेडिट किया जाएगा। और लायबिलिटी में डेबिट कब करेंगे, जब लायबिलिटी कम होगी, कम कब होगी, जब पे करेंगे, लायबिलिटी जब कम होगी तभी तो, देखो जब आप पैसा निकालते हो तो कहता है आपका अकाउंट को आपको डेबिट कर दिया उसने, क्योंकि लायबिलिटी उसकी कम हो गई बैंक की, ठीक है। देखो लायबिलिटी स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी, ठीक है, जब ये कम होगी तो डेबिट की जाएगी। अब बताओ, अब क्लियर हो गई सब, यस सर, ठीक है भाई, सब बोलो, सबको क्लियर हो गया डेबिट क्रेडिट, यस सर, यस सर, ओके आगे चलो, ठीक है। इसकी अभी और जब एंट्री वगैरह करेंगे तो, ठीक है, ये हमें सर 10 मिनट नमाज ब्रेक मिल जाएगा, ड्यूटी तो करनी, रिपीट कर दें सर, इसकी कोई नहीं समझ आई, क्या कह रहे हो फिर से बोलो सर, ये स्टॉक होल्डर जो इक्विटी है करनी, ये से रिपीट कर दें, स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी क्या है, स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा सा रिपीट कर दें सर, थोड़ा सा समझा दें, उसको समझ नहीं आई है। आपको बताया कई दफा कि स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी एक तो इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटी, ठीक है, ठीक है,
स्टॉक होल्डर इक्विटी आपका कौन कर रहा है भाई? ये मोहम्मद उस्मान का है, मोहम्मद उस्मान से आ रही है। ठीक है, स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी जो है द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वो स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी है। इसका ब्रेकअप हो सकता है स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी कैपिटल स्टॉक और रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, अच्छा देखिए आगे चले, ये हमने सब पढ़ लिया। बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, अब हम ये थोड़ा और पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन जो रह गई थी ना थोड़ी वो देखते हैं। बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, देखिए बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है। ट्रांजेक्शन है, आप सुनते रहते हो ट्रांजेक्शन, इसका मतलब क्या है? देखिए ट्रांजेक्शन द इकोनॉमिक इवेंट्स ऑफ ए बिजनेस विच आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। देखो इकोनॉमिक इवेंट्स है, यानी कि ये जो एक्टिविटीज हो रही है, इवेंट्स का मतलब एक्टिविटीज, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, यानी कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज, जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो रही है कंपनी में, क्या एक्टिविटीज है? परचेज सेल ऑफ गुड्स, परचेज कर रहे हैं गुड्स को, सेल कर रहे हैं गुड्स को, एक्सपेंसिज इनकर हो रहे हैं, यही तो एक्टिविटीज है ना इकोनॉमिक इवेंट्स, विच आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय द अकाउंटेंट डे टू डे बेसिस, इसको कहते हैं ट्रांजेक्शन। इकोनॉमिक इवेंट्स है, इकोनॉमिक इवेंट्स मीन्स के सच एक्टिविटीज विच हैव ए फाइनेंशियल इम्पैक्ट। ठीक है, उनका बिजनेस के ऊपर फाइनेंशियल इम्पैक्ट आ रहा है। इकोनॉमिक इवेंट्स ऑफ ए बिजनेस विच आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स, और इसको हम रिकॉर्ड करते हैं बाई द अकाउंटेंट डे टू डे बेसिस। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, परचेज ऑफ रॉ मटीरियल, पेमेंट ऑफ वेजेस, ये सब हमारी क्या है? ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, जब सेल ऑफ गुड्स हुई तो हमने इसको रिकॉर्ड किया। ठीक है, अब ये बताइए आप सर, सेल ऑफ गुड्स, ठीक है सेल ऑफ गुड्स, ठीक है इसको हम ऑन, सपोज सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, तो इसको क्या एंट्री करेंगे हम? आमिर अली बताइए, मिस्टर आमिर, मिस्टर आमिर आवाज सुन रहे हैं मेरी? फातिमा आप बताइए क्या एंट्री होगी? सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, कई दफा बता चुका हूं मैं सर, सेल अकाउंट क्रेडिट होगा और गुड्स, पहले डेबिट को बोलो फिर क्रेडिट को बोलो भाई, सेल ऑफ गुड्स ऑन ऑन सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश हो रही है, तो आप क्या करोगे? कैश डेबिट, डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। जी जी, देखो इसको फौरन आपने अभी अप्लाई करना है, वो जो रूल्स बताए। देखो अगर आपसे सेल हुई है कैश पे तो आप क्या करोगे? एसेट इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है आपका कैश, तो कैश डेबिट और रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे, तो हमने देखो उसी रूल को फॉलो किया, कैश डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट, यानी कि सेल क्रेडिट। ठीक है, और अगर उधार बेच रहे होते तब भी रेवेन्यू हमारा हमारा एसेट इंक्रीज हो जाता है, कहते अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट और सेल क्रेडिट, तब भी एंट्री होती है, लेकिन कैश की जगह अकाउंट रिसीवेबल आ जाता। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल भी एसेट है आपका। ठीक है, तो ये हाँ बोलो बोलो भाई, क्या कह रहे हो सर? चलो तो ट्रांजेक्शन समझ गए, और इसको अप्लाई करते रहो, है रूल्स अप्लाई करते रहो। इकोनॉमिक इवेंट्स ऑफ बिजनेस विच आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी बाय द अकाउंटेंट ऑन डे टू डे बेसिस, और ये एग्जांपल दी सेल ऑफ गुड्स और एंड सर्विसेज, परचेज सेल ऑफ गुड्स का मतलब हमारी सेल हो रही है, रेवेन्यू सर्विस और सर्विसेज, सर्विस को सेल करने का मतलब हम सर्विस रेंडर कर रहे हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है तो हमने रॉ मटेरियल को डेबिट किया, रॉ मटेरियल जो है हमारा एसेट है, ठीक है, और क्रेडिट कर दिया कैश को, और अगर है कैश कम हो गया, एसेट कम हो रहा, और अगर उधार खरीद रहे हैं तो फिर लायबिलिटी बढ़ रही है तो वो क्रेडिट कर दिया, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह अकाउंट क्या है, अब देखो अकाउंट को समझो। एक्सक्यूज मी सर,
Excuse me, sir. Nofil here. Sir, 5 to 10 minutes namaz break mil sakti please. यार अभी इतना तो इतना loss हो चुका है time का थोड़ा नमाज थोड़ा. It's only a request, sir. जैसे आप कहें. क्या कह रहे हो? नहीं करते break अगर आप कहते तो. यार अभी क्योंकि मजबूरी यार क्योंकि अभी काफी time loss हो गया ना. ठीक है वो discontinuity हो जाएगी. Sorry आइंदा ऐसा नहीं करेंगे. Account account क्या देखो? Account account को समझो. An account is an individual record. देखो account क्या है? जैसे आपने बैंक में आपने बैंक अकाउंट खुलवाया तो ये कहते हैं ना मैंने अपना अकाउंट बैंक में खुलवा लिया है. आपका नाम है जैसे मोहम्मद अली. ठीक है तो आपका नाम मोहम्मद अली के नाम से अकाउंट आपका खुल गया. आपने पैसा वहाँ जमा कराया अकाउंट में 50,000 रुपये जमा हो गए अकाउंट में और अकाउंट में वो पैसा जो है डेबिट साइड पे है आपके पास जो बैंक उसको क्रेडिट करेगा है. बैंक अपने रिकॉर्ड में क्रेडिट करेगा आप अपने पास डेबिट करोगे. ठीक है तो क्या देखो An account is an individual record in an accounting system that tracks the financial activities of a specific asset. Specific asset. مختلف asset ہے نا. Cash بھی ہے, accounts receivable بھی ہے, ٹھیک ہے آپ کا plant and machinery بھی ہے, building بھی ہے, inventory بھی ہے. اس لیے کہہ رہا ہے liability and equity. دیکھو an account is an individual record of an accounting system that tracks the financial activities of a specific asset, liabilities, equity or revenue or expense. These records increase and decrease as the business events occur. Aur ye account plus minus ho raha hoga, increase ho raha hoga ya decrease ho raha hoga, increase ho raha hoga, decrease ho raha hoga. Kabhi debit ho raha hoga, kabhi credit ho raha hoga, debit ho raha hoga, kabhi credit hoga. Asset yani agar increase hoga to debit kiya jayega aur asset decrease hoga to credit kiya jayega. Theek hai, expense increase hoga to debit kiya jayega. एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे. ठीक है वही रूल को फॉलो कर रहे हैं. इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इट कंटेन्स टाइटल ऑफ द अकाउंट. सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होगा? टाइटल ऑफ द अकाउंट. जैसे कैश है कैश अकाउंट, इन्वेंट्री है तो लिख दिया इन्वेंट्री अकाउंट. ठीक है एंड कंटेनिंग डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज. इसमें क्या चीज आएगी? दो डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज. नॉर्मली इट इज शोन बाई ए सिंबल टी. ये देखो ये अकाउंट की शक्ल है. आप देखो कि ये देखो टी की शक्ल दिया हुआ है. देखो टी है इसको हम और इसको मैं एक सेकंड ये देखिए टी आपको यहां पर है. देखिए टी अकाउंट नजर आ रहा है ना? सब देख रहे हैं टी अकाउंट को? यस सर. देखिए इसको इसको मैं अब यहाँ समझाता हूँ और मैंने इसको बिग साइज कर लिया. देखो अब ये टी अकाउंट ये आपका जैसे ये कैश अकाउंट है. ऊपर लिखा होगा क्या? कैश. टाइटल ऑफ द अकाउंट इस टी के ऊपर है टाइटल ऑफ द अकाउंट यदि कैश सपोज. ठीक है अब क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड आपको पता है डेबिट है और राइट हैंड साइड क्रेडिट है ना? आपको बताया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड डेबिट. अब आपका कैश आपने सेल किया है ये इसी तरह का एक अकाउंट खुला हुआ होगा सेल का. और से सुनो सेल का भी अकाउंट उस पर लिखा होगा ऊपर टाइटल पे सेल. ठीक है ये टी अकाउंट बना हुआ है इसका मतलब बस वो सेल अकाउंट है. ठीक है अब आपने सेल किया क्या करोगे? देखो सेल किया आपने 40,000 की सेल की कैश पे तो आप क्या करोगे? डेबिट टी अकाउंट में के अंदर डेबिट कर दोगे 50,000 को. ओके टी अकाउंट जो सेल का होगा उसमें क्रेडिट कर दोगे 50,000. ये क्रेडिट अकाउंट का मतलब है. समझ गए? यस सर. ठीक है इसको कहते हैं ये अकाउंट. एन अकाउंट मैं इसको फिर रीड कर रहा हूं. एन अकाउंट इज एन इंडिविजुअल रिकॉर्ड इन एन अकाउंटिंग सिस्टम दैट ट्रैक्स द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ स्पेसिफिक एसेट. ट्रैक्स कर रहा है फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक एसेट लायबिलिटी हर स्पेसिफिक एसेट की ये को ट्रैक कर रहा है. ठीक है डेबिट हो रहा है कभी अगर कैश है तो अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो डेबिट होता जाएगा. ठीक है जब पेमेंट कर रहे होंगे तो क्रेडिट हो रहा होगा इसको क्रेडिट कर रहे होंगे. ठीक है दीज रिकॉर्ड्स इंक्रीज डिक्रीज एज द बिजनेस इवेंट्स अकर. डेबिट क्रेडिट का मतलब डिक्रीज इंक्रीज होता जाएगा सारा दिन. ठीक है थ्रू आउट द अकाउंटिंग पीरियड. इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इट कंटेन टाइटल ऑफ द अकाउंट. जैसे ये अकाउंट के ऊपर लिख देंगे डेबिट
एंड क्रेडिट एंट्रीज, ये देखो यहाँ पर डेबिट क्रेडिट एंट्रीज आ रही होगी, टी अकाउंट में लेफ्ट साइड पे जो एंट्री हो रही होंगी डेबिट हो रही होंगी और राइट हैंड साइड पे क्रेडिट हो रही होंगी, ठीक है। इसको कहते हैं नॉर्मली इट इज शोन बाय ये सिंबल टी, ठीक है, टी की शक्ल से इसको शो किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका बैलेंस निकालना है, कॉपी पेंसिल लेके बैठो अपने पास, सारे स्टूडेंट कॉपी पेंसिल लेके बैठो ताकि बैलेंस को समझो। टेक आउट द टोटल ऑफ ऑल डेबिट्स एंट्रीज एंड टोटल ऑफ क्रेडिट एंट्रीज। देखो इस टी अकाउंट में देखें, इस टी कॉपी पेंसिल लेके बैठे हो ना सबने, कॉपी लेके बैठे? यस सर। अब देखो मैं, आप लिखो सबसे पहले इसमें लिखो जल्दी से, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखते जाओ ताकि ये आप बैलेंस निकालना समझो, ठीक है, जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आपसे मैं कह रहा हूँ कि टी अकाउंट में, ठीक है, अब आप इसमें लिखो डेबिट साइड पे है, डेबिट साइड पे लिखो 5200, लिखा 200? यस सर, लिख दिया, लिख दिया। हाँ, टी अकाउंट आपने सिंबल बनाई टी अकाउंट की और इसमें लिखो 200, ठीक है, डेबिट साइड पे। अब क्रेडिट साइड पे लिखो 300 है, अब क्रेडिट साइड पे लिखो 100, ठीक है, फिर डेबिट साइड पे लिखो 300, फिर क्रेडिट साइड पे लिखो 50 रुपीज, ठीक है, और इस टी अकाउंट के ऊपर कैश लिख दो, कैश, ठीक है, फिर लिखो डेबिट साइड पे 500, फिर क्रेडिट साइड पे लिखो 100, लिख लिया भाई सबने? लिखा? यस सर, लिख लिया। अच्छा आप जी सर जी, ठीक है, डेबिट्स का सारों का टोटल करो, कितना आया डेबिट साइड पे, कितना आया सर? डेबिट का 1000 आया। 1000, आप क्रेडिट का करो टोटल कितना आया? 250, ठीक है, डेबिट साइड का 100,000 आया और क्रेडिट का है 250, तो आप क्या करोगे, ठीक है, अब ये समझो ड्यूरिंग द मंथ ये ट्रांजेक्शन हुए, ठीक है, अब आपका बैलेंस, इसमें से बैलेंस कैसे निकलोगे, देखो यहाँ लिख पढ़ो, अब इसको ये टाइटल अकाउंटिंग अकाउंट्स बैलेंस को पढ़ो, यहाँ पर देखो टेक आउट द टोटल ऑफ ऑल डेबिट्स एंट्रीज एंड टोटल ऑफ क्रेडिट एंट्रीज, इफ डेबिट साइड इज हायर इट कॉल्स द डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट साइड बैलेंस एल्स क्रेडिट बैलेंस, यानी क्रेडिट साइड होगा तो क्रेडिट बैलेंस। नाउ राइट डाउन द डिफरेंस ऑन द डेबिट और क्रेडिट, अब दोनों का डिफरेंस लो कितना आया? 750, ठीक है, और डेबिट साइड ज्यादा है ना, तो ये 750 को हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आज का बैलेंस कितना है कैश अकाउंट के अंदर, ठीक है, समझो ये मंथ एंड हो गया, ठीक है, कितना बैलेंस बचा? 750, ये बैलेंस बचा कैश अकाउंट में हमारे पास, ये मकसद है, ठीक है, इस तरीके से ये बैलेंस निकाला जाता है, ठीक है। एसिड होगा तो हमेशा डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा आएगा, ठीक है, इसका मतलब ये 750 और मेरी बात यार, ये स्टोर क्यों कर रहे हो, देखे ये सपोज ये जो ट्रांजेक्शन हुए ना, ये ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी हुए, तो इसका मतलब फरवरी फर्स्ट का बैलेंस कितना बचा कैश हमारे पास? 750 रुपए ओपनिंग कैश, ठीक है, इसको कहते हैं अकाउंट्स बैलेंस निकालना। क्लियर हुई बात? यस सर, यस सर, ठीक है, जो मैंने इस तरह प्रैक्टिकली आपको समझा दिया, ठीक है, अच्छा आगे चलो। डबल एंट्री सिस्टम, इसको देखो समझो, हमेशा अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम होता है, इन अकाउंटिंग वी रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इन टू साइड्स, डेबिट एज वेल एज ऑन क्रेडिट,
इन अकाउंटिंग लैंग्वेज इट इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम. जो भी ट्रांजेक्शन होगा डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा, ठीक है, इसको कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम. ठीक है, हर ट्रांजेक्शन के ड्यूअल इफेक्ट होते हैं. जैसे सेल हुई ऑन कैश तो हमने कहा कैश डेबिट सेल क्रेडिट, और क्रेडिट सेल हुई तो हमने एंट्री की अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट. लेजर, अब आपने समझा सर, डबल एंट्री आप बना के नहीं दिखाएंगे? क्या कह रहे हो, एंट्री आप बना के नहीं दिखाएंगे? क्या बना के नहीं दिया? डबल एंट्री बोले, बना के नहीं दिखाएंगे. भाई डबल एंट्री मैंने बताया ना, जैसे आपकी सेल मेड ऑन क्रेडिट क्या एंट्री करेंगे, ये अभी जनरल में बताएंगे ना. देखो सेल आपने क्रेडिट भी किया तो हमने कहा सेल अगर क्रेडिट भी हुई तो डबल एंट्री क्या हुई, देखो अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट. ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया, जैसे 1000 रुपए की सेल हुई तो हमने लिखा 1000. ठीक है, 1000 डेबिट और फिर सेल हुई है तो सेल क्रेडिट. सेल सर रिपीट वन मोर टाइम. ठीक है, सेल क्रेडिट, ये देखो डेबिट, ये शो कर रहा है डेबिट और ये शो कर रहा है क्रेडिट. ठीक है, ये देखो ये एंट्री करी. ठीक है, ये देखिए लेजर. अब ये जनरल पे आते हैं, लेजर क्या है, The entire set of accounts is called the ledger. देखो लेजर किसे कहते हैं, आपके पास जो एक बुक है उसमें 200 अकाउंट्स हैं कंपनी के, उस लेजर उस बुक में रख आपने फाइल किया हुआ है, इस फाइल को कहेंगे लेजर. जिसके अंदर देखो इंटायर सेट ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड द लेजर, इट इज ए बुक कंटेनिंग ऑल इंडिविजुअल अकाउंट. जितने भी अकाउंट्स कंपनी ने खोले हुए ना, कैश अकाउंट रिसीवेबल सेल परचेजेस इन्वेंट्री ऑफिस सप्लाईज राइट सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंसेस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस गैस एक्सपेंसेस, ये सब ओपन है. ये सब को जब आपने एक फाइल में रख दिया ना, उसको कहेंगे लेजर. इंटायर सेट ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड लेजर, इट इज ए बुक कंटेनिंग ऑल इंडिविजुअल अकाउंट्स. दी कंपनीज यूज वेरियस काइंड्स ऑफ लेजर सच एज सेल्स लेजर परचेज लेजर जनरल लेजर. ठीक है, जनरल. अब व्हाट इज मेंट बाय जनरल, देखो ईच बिजनेस ट्रांजेक्शन इज इनिशियली रिकॉर्डेड एज डेबिट एंड क्रेडिट, ये जो मैंने नीचे अभी आपको करके दिया है, इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डे टू डे कॉल्ड जनरल. जनरल किसे कहते हैं, देखिए जनरल का मतलब होता है कि ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इनिशियली रिकॉर्डेड इन ए डेबिट एंड क्रेडिट इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डे टू डे कॉल्ड जनरल. ये बेसिक टाइप ऑफ जनरल इज जनरल. जनरल दी जनरल जनरल मे बी यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन. देखिए जैसे ट्रांजेक्शन हुआ सेल ऑफ 1000 ऑन क्रेडिट, हमने एंट्री क्या की, एसेट बढ़ गया और रेवेन्यू भी बढ़ गया. ठीक है, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, जब रेवेन्यू बढ़ता है तो हम क्रेडिट करते हैं, इस तरह ये एंट्री पड़ दी, इसको कहते हैं जनरल. ठीक है, जनरल का मतलब होता है, जनरल जो है कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ है, जनरल का मतलब होता है फ्रेंच लैंग्वेज में डे, फ्रेंच लैंग्वेज में जनरल को कहते हैं डे, दिन रोज यानी कि डेली डेली समझो. ठीक है, तो जनरल इसीलिए जनरल निकला है कि डे टू डे रिकॉर्ड कर रहे हैं. ईच बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इनिशियली एज रिकॉर्डेड एज डेबिट इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये भी बता रहा है.
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसका मतलब कौन बताएगा भाई? सर दिन बाय दिन की जितनी भी ट्रांजेक्शन से होती हैं। लेकिन एक इसमें इसका मतलब ये है मेन कि आपने रिकॉर्ड किस तरह करना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब सबसे पहले आप फर्स्ट की एंट्री करोगे, फिर सेकंड की करोगे, फिर थर्ड की करोगे। ये नहीं कि थर्ड के बाद फिर सेकंड पे आ गए हैं। आप डेट वाइज एंट्री करनी, दो तारीख का ट्रांजेक्शन दो तारीख में रिकॉर्ड होगा, थ्री थर्ड का ट्रांजेक्शन थर्ड में रिकॉर्ड होगा, फोर्थ का ट्रांजेक्शन फोर्थ में होगा। ये नहीं कि फिर फिफ्थ का ट्रांजेक्शन फिर आप आ गए वापस नीचे। पहले फर्स्ट के सारे ट्रांजेक्शन फर्स्ट में रिकॉर्ड करोगे, फिर सेकंड के सेकंड में। ये मतलब है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कार्ल जनरल ईच बिजनेस ट्रांजेक्शन इनिशियली रिकॉर्डेड एज डेबिट एंड क्रेडिट इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, डेट वाइज रिकॉर्ड करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, और ये इस तरीके से रिकॉर्डिंग होगी। जैसे एक रिकॉर्डिंग की बताई, जैसे आपने अगर कैश पे सेल कर रहे होते तो हम यहाँ अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट नहीं करते, फिर किसको क्या डेबिट करते? फिर डेबिट क्या होता? कैश सर, कैश डेबिट होता। यस सर, कैश डेबिट होता। ठीक है, कैश डेबिट और सेल क्रेडिट। ठीक है, अगर हम कैश पे कर रहे होते। ठीक है, क्योंकि एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है। कौन सा एसेट इंक्रीज हो रहा है? कोई भी एसेट इंक्रीज हो रहा है वो लिखेंगे। कैश इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा, और रेवेन्यू जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट किया जाता है, वो रेवेन्यू को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आइए। ये सब्सिडरी लेजर क्या है? एक तो हमने लेजर पढ़ा जनरल लेजर, और एक सब्सिडरी लेजर क्या है? इट इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर अकाउंट्स। सब्सिडरी लेजर पूरा लेजर है, पूरी बुक है, लेकिन ये क्या है? सब्सिडरी लेजर है। इट इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर अकाउंट्स हुज कंबाइंड बैलेंस इक्वल द बैलेंस इन द स्पेसिफिक जनरल लेजर अकाउंट। द जनरल लेजर अकाउंट दैट समराइजेस ए सब्सिडरी लेजर्स अकाउंट बैलेंस इज कॉल्ड ए कंट्रोल अकाउंट और मास्टर अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल एन अकाउंट्स रिसीवेबल सब्सिडरी लेजर, कस्टमर वाइज सब्सिडी लेजर इंक्लूड्स अ सेपरेट अकाउंट फॉर ईच कस्टमर हु मेक्स क्रेडिट सेल्स। द कंबाइंड बैलेंस ऑफ एवरी अकाउंट इन सब्सिडी लेजर इक्वल द, देखो इसका मतलब ये है सब्सिडी लेजर आपका खोला जाएगा, आपके पास 50 कस्टमर है, फर्स्ट 50 कस्टमर है जो आपसे उधार ले रहे। ठीक है, क्या हो गया भाई? ठीक है, 50 कस्टमर्स हैं। रिजवान अपना माइक बंद कर दें प्लीज। ये ऐसा देखो हरकत नहीं करो क्लास के अंदर। देखिए, यू हैव 50 कस्टमर्स हु आर टेकिंग यू गुड्स ऑन क्रेडिट। वो जो 50 कस्टमर्स होंगे ना, उनके जो अकाउंट्स हैं ना, वो सब्सिडरी लेजर में हो रहे होंगे, सिमिलर अकाउंट। सिमिलर का मतलब सब कस्टमर है। ठीक है, अब इन 50 कस्टमर का जो टोटल होगा ना, 50 कस्टमर का जो बैलेंस आ रहा है, किसी का 5,000 आ रहा है, किसी का 7,000 आ रहा है, किसी का 50,000 आ रहा है, सबका जो टोटल होगा ना, वो कहलाएगा क्या? कहलाएगा मास्टर अकाउंट, कंट्रोल अकाउंट। वो जनरल लेजर में आ, सब्सिडी लेजर में तो इन सब का 50 कस्टमर का आ गया, और इनका जो टोटल होगा ना, वो हमारा कंट्रोल अकाउंट में आएगा, वो जनरल लेजर में शो कर रहे होंगे। उसमें क्या लिख रहे होंगे? अकाउंट्स रिसीवेबल, 50 कस्टमर है जिनके मुख्तलिफ, किसी का 5,000 बैलेंस है, किसी के अगेंस्ट 6,000 है, किसी के 50,000 है, सबका जब टोटल किया ना, तो सपोज आया 20,50,000। 20,50,000 हम शो कर रहे होंगे अकाउंट्स रिसीवेबल कंट्रोल लेजर में, यानी कि जनरल लेजर में आ रहा होगा अकाउंट रिसीवेबल 20,50,000, और उसका जो सब्सिडरी रिकॉर्ड है वो सब्सिडरी लेजर में। क्योंकि हमें ये भी तो रिकॉर्ड रखना है ना कि किस किस कस्टमर से पैसा लेना है। ठीक है, तो अब मैं इसको फिर रीड कर रहा हूं दोबारा, अब समझ जाओगे। देखिए, सब्सिडरी लेजर इट इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर अकाउंट्स हुज कंबाइंड बैलेंसेस इक्वल द बैलेंसेस इन स्पेसिफिक जनरल लेजर अकाउंट। जनरल लेजर अकाउंट दैट समराइजेस ए सब्सिडरी लेजर्स अकाउंट बैलेंसेस इज कॉल्ड ए कंट्रोल अकाउंट, अ मास्टर अकाउंट। फॉर एग्जांपल एन अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडरी लेजर, कस्टमर सब्सिडरी लेजर इंक्लूड्स ए सेपरेट अकाउंट फॉर ईच कस्टमर हु मेक्स क्रेडिट सेल्स। द कंबाइंड बैलेंस ऑफ एवरी अकाउंट, 50 कस्टमर है इन दिस सब्सिडरी लेजर इक्वल द बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल इन द जनरल लेजर। अब क्लियर हो गई बात? यस सर।
चलिए सब्सिडी, इसी तरह सब्सिडी लेजर जैसे आपका अकाउंट सब्सिडी लेजर्स, ठीक है, आपका जो है अकाउंट रिसीवेबल का भी हो सकता है और क्रेडिटर्स का भी हो सकता है, ठीक है। आगे चले, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, अब हम बात रहे हैं ट्रायल बैलेंस, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, ठीक है। सब्सिडी लेजर हो गया, अब नेक्स्ट है अक्रूअल बेसिस अकाउंट, ये हो गया अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंट, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, हमेशा अकाउंटिंग जो हमारी हो रही थी वो अक्रूअल बेसिस पे हो रही है, इसका मतलब समझ लो। देखिए अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंट क्या है, द पॉलिसी ऑफ रिकॉर्डिंग रेवेन्यूज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन इट इज अर्न, इसका मतलब क्या है, दैट इज व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड और सर्विसेज आर रेंडर्ड टू द कस्टमर, व्हेन रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस व्हेन इट इज इनकर्ड विदाउट रिगार्ड टू टाइम ऑफ रिसीट और पेमेंट ऑफ कैश, अक्रूअल बेसिस, ठीक है। सेल्स इनकर्ड है, सेल्स हमारी हो गई, ठीक है, पैसा हमें मिला या नहीं मिला हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया। एक्सपेंसेस इनकर्ड हो गए, वेदर वी पेड आर नॉट एक्सपेंस विल बी रिकॉर्डेड, ठीक है, डेबिट कर दिए जाएंगे और सेल क्रेडिट कर दी जाएगी। देखो क्या लिखा है, द पॉलिसी ऑफ रिकॉर्डिंग रेवेन्यूज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन इट इज अर्न, अर्न का मतलब क्या होता है, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड और सर्विसेज आर रेंडर्ड टू द कस्टमर, और रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस व्हेन इट इज इनकर्ड, रेवेन्यू अर्न होगा कब होगा, जब हम गुड्स को डिलीवर कर देंगे और एक्सपेंसेस इनकर हो गए, इनकर का मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल इनकर हो गया, ठीक है, वर्कर्स ने काम कर लिया, ठीक है, उनकी एक्सपेंसेस इनकर हो गए, ठीक है, तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे, वेदर वी पेड आर नॉट, ठीक है, हमने इनकर, हमने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, आज वर्कर्स ने काम किया उसको रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, लेकिन हम पे कर रहे हैं चाहे 10 दिन के बाद, हमने रिकॉर्ड कर लिया एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, ठीक है, सैलरीज पेएबल क्रेडिट विदाउट रिकॉर्ड टू टाइम और रिसीट और पेमेंट ऑफ कैश, ठीक है। रिसीट का मतलब ये हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, रेवेन्यू के बारे में, और पेमेंट की बात हो रही है हमने एक्सपेंस के बारे में किया, तो इसको कहते हैं अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंट, ठीक है, हमेशा अकाउंटिंग अक्रूअल बेसिस पे हो रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस क्या है, देखो ट्रायल बैलेंस, देखिए लिस्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स एंड देयर बैलेंसेस ऑन डेबिट और क्रेडिट साइड फ्रॉम द लेजर ऑन ए गिवन डे, का मतलब क्या है ट्रायल बैलेंस का, कि आपके लेजर में 50 अकाउंट्स खुले हुए, 50 अकाउंट, ठीक है, मंथ एंड पे आपने किया 50 अकाउंट्स का बैलेंस निकाला, जो मैंने अभी बताया बैलेंस, ठीक है, उन बैलेंसेस को लेके आपने लिखा ट्रायल बैलेंस। देखो ये देखो मैं यहां बताता हूं आपको, ये देखिए देखिए ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगी, यहां लिखा ए बी सी कंपनी, ठीक है, और नीचे लिखा ट्रायल बैलेंस, आवाज आ रही है सर की किसी को, नहीं किसी को भी नहीं आ रही आवाज सर की, नहीं अभी तो नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही, देखिए ये मैंने देखो ये मैंने ट्रायल बैलेंस लिखा, ठीक है, इसके ये दो साइड बन गए, ठीक है,
बस ये आप अपने कॉपी निकालो, टी अकाउंट बनाओ, कॉपी निकालिए अपनी, देखो टी अकाउंट बनाया है उसके ऊपर। सर टी अकाउंट ट्रायल बैलेंस एक ही चीज है क्या? नहीं नहीं, अभी मैं इसको यही तो ट्रायल बैलेंस बताना चाह रहा हूँ ना भाई। टी अकाउंट बनाओ एबीसी कंपनी ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ट्रायल बैलेंस ठीक है, और ऊपर लिखा एज ऑन, ठीक है, 31/12/2020, ठीक है। अब इसमें टी अकाउंट बनाया, ठीक है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड डेबिट है। और अब इसमें क्या कह रहा है देखो, है इसको समझो, ट्रायल बैलेंस क्या है देखो, लिस्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स एंड देयर बैलेंसेस ऑन द डेबिट क्रेडिट साइड। वो जो लेजर में जितने भी अकाउंट्स है ना खुले हुए, उन सब के बैलेंसेस उठाया, जैसे कैश, ठीक है, कैश, ठीक है। तो हमने इसके आपके तीन कॉलम हो गए, देखो एक तो डेबिट और क्रेडिट, देखो तीन कॉलम हो गए, और एक है डिस्क्रिप्शन, है तीसरा कॉलम है डिस्क्रिप, तीन कॉलम हो गए इसके। पहला कॉलम क्या हुआ, डिस्क्रिप्शन, फिर डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। अब कैश, पहला आइटम क्या है, कैश, तो लिख दिया कैश, और जाहिर है डेबिट साइड पे आ रहा होगा बैलेंस, ठीक है, 5000। अब क्या किया, दूसरा आइटम उठाया आपने, अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, 4000, ठीक है। इसी तरह सारे आइटम लेजर्स में जितने भी अकाउंट्स खुले हुए थे ना, सबको पिक किया हमने वहां से मंथ एंड पे, और इसी तरह बैलेंस लिख दिए, डेबिट जिसका था बैलेंस डेबिट लिख दिया, जिसका बैलेंस क्रेडिट हो रहा था उसको क्रेडिट कर दिया, और फिर सबका टोटल कर दिया, ठीक है, सबका टोटल कर दिया, ठीक है। तो टोटल जो है, ट्रायल बैलेंस का मकसद क्या होता है, हम इसको टोटल करेंगे, जो डेबिट में आ रहा है टोटल वही क्रेडिट में आना चाहिए, राइट। देखो लिस्ट ऑफ ऑल अकाउंट एंड द बैलेंस ऑन द डेबिट साइड फ्रॉम द लेजर ऑन अ गिवन डेट, गिवन डेट ये देखो लिखा एज ऑन 31/12, ठीक है, इसको कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का मकसद क्या होता है कि ये मंथ एंड में बनाया जाता है, अपनी बुक्स को हम देखते हैं कि हमारी बुक्स टैली है, ये मकसद होता है कि ये ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमारा टोटल आना चाहिए, जो डेबिट में अगर 1,00,000 रुपए आ रहा है तो क्रेडिट का भी टोटल 1,00,000 आना चाहिए, फिर हम उसके बाद काम करेंगे, बैलेंस शीट वगैरह बनाएंगे। हाँ, ट्रायल बैलेंस क्लियर हुई, शेयर कर दे। यस सर, क्लियर, ठीक है, ये मंथ एंड पे करते हैं ट्रायल बैलेंस बनेगी, सारा महीना हमने पोस्टिंग करते रहे, ठीक है, मंथ एंड पे ये ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। इसका मकसद होता है कि हम अपनी बुक्स को की एक्यूरेसी चेक कर रहे होते हैं कि ये बैलेंस्ड है, यानी कि बराबर आना चाहिए डेबिट क्रेडिट का। इसीलिए देखो लिस्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स एंड दियर बैलेंसेस ऑन द डेबिट और क्रेडिट साइड, जिसका बैलेंस डेबिट आ रहा है उसको डेबिट लिख दिया पहला, इसीलिए तीन कॉलम हो गए ना, इसमें तीन कॉलम बना दिए, ठीक है, कैश, फिर डेबिट है तो डेबिट कर दिया, और क्रेडिट है तो क्रेडिट कर दिया, डेबिट क्रेडिट इस तरह हर अकाउंट होता रहेगा, ठीक है, और इसको टोटल कर लिया, जब टोटल बराबर आ गया तो फिर हमने कहा बुक्स हमारी सही है, ठीक है, मंथ एंड पे ही काम करते हैं। तो देखिए सर, बुक से पिक्चर लेकर ग्रुप में शेयर कर दें। अच्छा, कौन किसकी पिक्चर, ट्रायल बैलेंस की? मैं वो आपको ये जो हैंड आउट ये खत्म हो रहा है ना, ये मैं भेज दूंगा ना ये चैप्टर, ठीक है, ग्रुप में। सर इसकी जो सारी एग्जांपल्स हैं वो हक्का विलियम की बुक में से मिल सकती है ना, जो आपने बुक रेकमेंड करी है? हाँ हाँ, बिल्कुल मिलेंगी सब, मैं पेज भी आपको वो उसकी कॉपी भी पिक्चर भी भेज दूंगा, ठीक है। रियल अकाउंट्स क्या, देखो रियल अकाउंट्स, देखो इसको थोड़ा पढ़ लो, रियल अभी है टाइम, रियल अकाउंट्स ऑल बैलेंस शीट आइटम्स जो होते हैं ना उनको रियल अकाउंट्स कहते हैं, याद रखना है आपने। रियल अकाउंट कौन से, ऑल बैलेंस शीट अकाउंट्स, ऑल बैलेंस शीट अकाउंट्स क्या क्या है, एसेट लायबिलिटीज ओनर सिक्योरिटी, तीन ही है ना बैलेंस शीट में, या तो एसेट होगा या लायबिलिटी होगा या ओनर सिक्योरिटी, आर कॉल्ड रियल अकाउंट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यार ये मुझे लग रहा है या सच में आवाज लैग हो रही है?
आ रही है? यस सर आ रही। चले देखो टेम्पररी अकाउंट को समझो सर, रियल अकाउंट में आवाज। एक्सक्यूज मी सर, तो रियल अकाउंट में आवाज आपकी बिल्कुल नहीं आई थी। अच्छा मैं फिर बस रियल अकाउंट क्या है, ऑल बैलेंस शीट अकाउंट्स आर द रियल अकाउंट। देखिए फिर मैं जा रहा हूँ वापस, देखिए रियल अकाउंट्स ऑल बैलेंसेस बैलेंस शीट अकाउंट्स, इसका मतलब क्या है, एसेट लायबिलिटीज ओनर सिक्योरिटी आर रियल अकाउंट है, ये कंटिन्यू रहेंगे, इनके बैलेंसेस अगले साल में ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। रियल अकाउंट्स ऑल बैलेंस शीट अकाउंट, इसका मतलब एसेट लायबिलिटीज ओनर सिक्योरिटी। और टेम्पररी अकाउंट्स क्या है, या नॉमिनल अकाउंट्स, ऑल इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स दैट इज रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस एंड डिविडेंड अकाउंट। रेवेन्यूज इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स कौन से होते हैं, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, और ये दूसरा अकाउंट है, नहीं ये इनकम स्टेटमेंट अकाउंट नहीं है, डिविडेंड अकाउंट, ये भी टेम्पररी अकाउंट है, ठीक है। ये कौन से, टेम्पररी अकाउंट, दीज बैलेंसेज ऑफ द बैलेंसेज ऑफ दीज अकाउंट्स आर क्लोज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, इनके बैलेंसेज को जीरो कर देते हैं जब साल खत्म होता है, ठीक है। इनके क्लोज का मतलब जीरो कर देंगे, ठीक है। अब जीरो कैसे करेंगे ये आपको बाद में बताएंगे, क्लोजिंग एंट्री होती है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस को रेवेन्यू को क्लोज करने का मकसद है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं ना, ऑडिट हो जाता है, तो इनके बैलेंसेस को जीरो कर दिया जाता है ताकि नेक्स्ट ईयर में फिर वो जीरो से स्टार्ट हो, ताकि नेक्स्ट ईयर की इनकम निकल सके। हेलो सर, आवाज लैग हो रही है आपकी। कैसे गई आप सर, आपकी आवाज लैग हो रही है। क्लियर हुई बात, समझ गए सर? आवाज लैग हो रही थी आपकी कुछ, ये क्या हुआ? यहाँ पर डिस्कनेक्ट हुए सर। हेलो आवाज आ रही है? यस सर अब आई। यस सर अब आ रही है। सर हो रही है? यस सर हो रही है। यस सर, यस सर हो रही है। लाइन ड्रॉप हो गई थी। चार्ट ऑफ अकाउंट्स हम बात कर रहे थे, देखो इसको जरा समझो, लिस्टिंग ऑफ अकाउंट्स एंड द नंबर्स, ठीक है। हम इसका मकसद है कि हम हमारे जितने भी अकाउंट्स खुले हुए हैं ना, उनको हम अलॉट कर देते हैं एक नंबर, उसको कहते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट। नंबर स्टार्ट होता है एसेट से और फॉलोज विद द इनकम स्टेटमेंट। पहले एसेट्स लेंगे, उसके बाद हम लाइबिलिटीज को लेंगे, ओनर सिक्योरिटी को लेंगे, फिर हम एक्सपेंसेस को रेवेन्यूज को लेंगे। जैसे एसेट मैंने कैश को का 101, अकाउंट रिसीवेबल 102, ठीक है, फिर हमने इन्वेंट्री को 103, इसका तो उससे लोकेशन पता लग जाती है कि ये किस लोकेशन पे मौजूद है, उसको चार्ट ऑफ अकाउंट करते थे। हर अकाउंट को एक नंबर दिया होता है अकाउंट्स के अंदर, ठीक है, वो नंबरिंग से, और वो लिस्ट हमारा प्रिंट आउट हमेशा फाइल में होती है, ठीक है, इसको कहते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट पे आइए, फिस्कल ईयर, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिस्कल ईयर का मतलब फाइनेंशियल ईयर भी है, ठीक है। इट इज ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर प्रिपरेशन इन ए बिजनेसेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। इट मे बी टेकन एट ए कैलेंडर ईयर, यानी कि जनवरी टू दिसंबर, और मे बी टेकन एनी अदर पीरियड। जैसे पाकिस्तान का
फाइनेंशियल ईयर क्या है, जुलाई टू जून, ठीक है, जुलाई टू जून है। नॉर्मली कंपनी का फाइनेंशियल ईयर होता है वो कैलेंडर ईयर होता है, जनवरी टू दिसंबर, यानी कि 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल ईयर क्या है बजट पर्पज के लिए, 1 जुलाई से लेके और 30 जून नेक्स्ट ईयर की, ठीक है, इसको कहते हैं फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल ईयर। फिस्कल ईयर हमेशा 12 मंथ्स में कंटेन करेगा, ये कैलेंडर ईयर भी हो सकता है या अदर देन कैलेंडर ईयर भी हो सकता है, लेकिन कंटेन करेगा 12 महीने को, ठीक है। 12 महीने के बाद एक्सपेंसेस को क्लोज कर दिया जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट है नेट इनकम, ठीक है, अब ये समझो इसको नेट इनकम या नेट प्रॉफिट, इट इज कैलकुलेटेड बाई सब्ट्रैक्टिंग एक्सपेंसिस फ्रॉम रेवेन्यू। एक्सपेंसिस को जब हम रेवेन्यू से माइनस कर देते हैं सेल में से, तो जो बचेगा उसको कहेंगे प्रॉफिट, और अगर माइनस में आ गई फिगर तो लॉस हो जाएगा। जैसे हमारी इनकम है, हमारा जो है रेवेन्यू कितना है 100 मिलियन, ठीक है, एक्सपेंसेस सारे, हमारे सारे एक्सपेंसेस कितने 90 मिलियन, तो 100 मिलियन में से 90 मिलियन को माइनस किया तो हमारे पास जो बचा 10 मिलियन, इसको कहेंगे नेट प्रॉफिट या नेट इनकम, ठीक है, इसके लिए नेट इनकम कह लो या नेट प्रॉफिट। जैसे टोटल रेवेन्यू लेस टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है, बचेगा नेट प्रॉफिट। और अगर नेट इनकम हमारी है 1 मिलियन, 0 2 मिलियन, तो डिफरेंस निकाला तो नेगेटिव हो गया 2 मिलियन, तो इसको कहेंगे नेट लॉस। समझ गए, रेवेन्यू में से जब हम एक्सपेंसेस को माइनस करें और एक्सपेंसेस आपके इत्तेफाक से ज्यादा है तो आपके पास आ जाएगा लॉस। 100 मिलियन की आपके पास रेवेन्यू था, एक्सपेंस थे 102 मिलियन, तो इसका मतलब 2 मिलियन का हम कहेंगे नेट लॉस, ठीक है, इसको कहेंगे नेट लॉस, ठीक है, समझ गए। अच्छा रिटेन अर्निंग्स, व्हाट इज रिटेन अर्निंग्स, एक होता है नेट प्रॉफिट और ये रिटेन, इट इज द सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स रिटेन सिंस द कंपनीज इंसेप्शन, जब से कंपनी बनी है, आज से 20 साल पहले ये कंपनी स्टेब्लिश हुई थी, आज से 20 साल पहले, आज जो हमारी इनकम स्टेटमेंट में हमारे बैलेंस शीट अकाउंट में जो रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस आ रहा है कितना 20 लाख, इसका मतलब ये 20 लाख जो है हमने पिछले 20 साल में जो कमाया है ना, जो हमारा प्रॉफिट हुआ, जो उसमें से प्रॉफिट में से जितना हमने रिटेन कर लिया अपने पास रख लिया, वो उसका समेशन है। देखो एक प्रॉफिट होता है, कुछ हिस्सा उसको हम डिविडेंड दे देते, जो बाकी बचता है ना वो रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है रिटेन अर्निंग्स। तो ये रिटेन अर्निंग्स है, इसलिए करें इट इज द सम ऑफ ऑल प्रॉफिट रिटेन कर लिया, प्रॉफिट को रिटेन कर लिया यानी कि डिविडेंड पे करने के बाद जो बच गया, सिंस द कंपनीज इंसेप्शन, जब से कंपनी आपकी स्टेब्लिश हुई है तब से लेके अब तक जो रिटेन प्रॉफिट 20 सालों में हम करते रहे ना, जैसे पहले साल में प्रॉफिट था सपोज 10 लाख रुपया, 2 लाख रुपया हमने डिविडेंड पे कर दिया तो 8 लाख रिटेन अर्निंग चला गया पहले साल में। दूसरे साल में आपका प्रॉफिट हुआ 12 लाख, आपने 2-3 लाख दे दिया डिविडेंड, बाकी लगा 9 लाख, 9 लाख रिटेन अर्निंग से चला गया। 2 साल के बाद रिटेन अर्निंग कितनी हुई 8 लाख और 9 लाख आपकी, तो कितनी हो गई 17 लाख, ये आपके पास रिटेन अर्निंग हुई। समझ गया रिटेन अर्निंग को, एनी क्वेश्चन सर? रिटेन अर्निंग में थोड़ा प्रॉब्लम है वो। चलो फिर समझाते, तो आगाज पेंसिल उठाओ, फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में आपका कंपनी का फर्स्ट ईयर है, पहली दफा फर्स्ट ईयर में आपका प्रॉफिट कितना हुआ सपोज 50,000, ठीक है, 50,000 फर्स्ट ईयर में पहला साल, ठीक है, आपने 10,000 डिविडेंड दे कर दिया, बाकी कितना बचा 40,000, ये रिटेन अर्निंग्स में चला गया। दूसरे साल में सेकंड ईयर में आपका प्रॉफिट हुआ 60,000, ठीक है, 60,000 में से आपने क्या किया 1,000 फिर दे दिया
10,000 आपने डिविडेंड पे कर दिया, तो बाकी कितना बचा? 50,000। तो आप 2 साल के बाद रिटेन अर्निंग्स में कितना पैसा हो गया? पहले साल में 40,000 आपने बचाया था, दूसरे साल में 50,000। तो रिटेन अर्निंग्स में 2 साल के बाद कितना बैलेंस आएगा? कितना बैलेंस आएगा? 90। ये रिटेन अर्निंग्स है भाई। इसको अब इसकी हेडिंग पढ़ो, इट इज द सम ऑफ ऑल प्रॉफिट रिटेन सिंस द कंपनीज इंसेप्शन। यानी कि समझो 2 साल पहले ये कंपनी स्टेब्लिश हुई थी, तो हमारे रिटेन अर्निंग्स में पैसा कितना कितना प्रॉफिट आ रहा होगा? 90,000। इसको कहेंगे रिटेन अर्निंग, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट रिटेन सिंस द कंपनीज इंसेप्शन। रिटेन का मतलब आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि डिविडेंड, आफ्टर पेइंग द डिविडेंड, जो हमने अपने पास रख लिया वो प्रॉफिट हमारा रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, क्लियर हुई रिटेन अर्निंग्स? यस सर, क्लियर सर। यस, तो ये आपका जो है दी एंड, चैप्टर 2 आपका खत्म हो गया। ठीक है, ये हमने आपको पढ़ाया, देखो एक नजर है देखो इसको, ये चैप्टर हमने बेसिक एलिमेंट्स, ठीक है, सबसे पहले आपको बताया है, ये सारे एलिमेंट्स बताए, एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होती है, स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी क्या होती है, ठीक है, रेवेन्यूज क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, डिविडेंड्स क्या होता है, ठीक है, ड्राइंग क्या होती है, ये वन बाय वन आपको सब चीजें बताई। ठीक है, उसके बाद आपको ये, इसके बाद हमने आपको ये बताया कि व्हाट इज मेंट बाय डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, इसके रूल्स ये बता दिए आपको, ठीक है, सारे रूल्स, एसेट इंक्रीज कब होगा है, डेबिट क्रेडिट को बता दिया पहले कि भाई डेबिट क्रेडिट जो है आपका जो है, ओके, व्हाट इज मेंट बाय डेबिट क्रेडिट ये समझाया। ठीक है, तो उसके बाद रूल्स क्या है, डेबिट कब करेंगे, क्रेडिट कब करेंगे वो बता दिया आपको। ठीक है, उसके बाद आपको बताया सारा हर चीज़ का, एक्सपेंस रेवेन्यू सबको, फिर आपको यह बेसिक टर्म्स ऑफ व्हाट इज मेंट बाय ट्रांजेक्शन, व्हाट इज मेंट बाय अकाउंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने आपको समझाया कि भाई अकाउंट्स बैलेंस कैसे निकलता है। ठीक है, फिर डबल एंट्री सिस्टम क्या है, ठीक है, लेजर क्या होता है, जनरल क्या होता है, ठीक है, उसके बाद सब्सिडियरी लेजर किसे कहते हैं, राइट, अक्रुअल अकाउंटिंग क्या है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस क्या है, रियल अकाउंट्स किसे कहते हैं, चार्ट टेम्परेरी अकाउंट्स किसे कहते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है, ठीक है, फिर फिस्कल ईयर का मतलब क्या है, ठीक है, नेट इनकम कैसे निकाली जाती है, रिटेन अर्निंग्स का मतलब क्या है। ठीक है, इस तरह ये चैप्टर फिर हमारा एंड हो गया। क्लियर हो गई? यस सर, सर क्लियर। सीआर से मुखातिब हूँ भाई, कौन कौन है सीआर हमारा, दोनों मौजूद है? जी मौजूद हूँ सर, नौफल शामी है, मौजूद हूँ। और ये रिमशा सर, आप भी हैं, रिमशा, एमन और नौफिल, आप दोनों मौजूद है ना? जी रिमशा और नौफिल दोनों मौजूद हैं। तो आप लोग ही रिप्रेजेंटेटिव भी क्लास के हो, सबको क्लियर हो गया आज का लेक्चर? जी सर। ठीक है, वो बैलेंस शीट हमने आपको बनवानी थी लेकिन आपको टाइम खत्म हो गया, अब बस ये है कि आप मुझे रिमशा और नौफिल, ठीक है, आप लोग मुझे रिमाइंड भी कर देना रात में, तो मैं आपको फिर ये इसका वर्ड कॉपी में सेंड कर दूंगा। ठीक है, आपने आपने ग्रुप में भेजना है इसको, ग्रुप जो मैंने आपसे कहा था, जो ग्रुप आपने बनाया है अपना अनऑफिशियल, उसमें आप ये जो पिप्पा ने बनाया हुआ है ग्रुप, उसमें आप लोग सेंड नहीं कर सकते हो? जी सर, उसमें सर उसमें सेंड नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ एडमिन सेंड कर सकते हैं। अच्छा सर, उसमें ये है कि उसमें जो टीचर्स हैं वो अपने जितना डाटा होगा वहां पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ने जो ग्रुप बनाया ना, उसमें मुझे भी, मैंने नौफिल आपसे कहा था कि मुझे भी उसमें ऐड कर लो ताकि मुझे पता। जी सर, मैंने आपको ऐड करा हुआ है अपने वाले ग्रुप में, बाकी जो है आपको वो फॉर्मेट बना के, इसमें ये है कि आपके जो भी है हमने शेयर करना है स्लाइड्स वगैरह, वो आप ग्रुप में शेयर करते हैं, हमारा एडमिन है उस पे कर सकते हैं। नहीं, किस नाम से है वो जो आपने ग्रुप बनाया? सर पिफा का जो है, पिफा, जी जी, पूरा नाम बताओ, पता नहीं पिफा के, पता नहीं मेरे व्हाट्सएप पे बहुत से बदले, मैं उसमें उसमें सर आपको टैग कर देता हूं अभी, मतलब वो जो मैसेज भेजना ताकि मैं देख लूं, क्योंकि इससे पहले भी पिफा के नाम के कुछ बनाए हुए ना स्टूडेंट ने, ठीक है, तीन चार, तो फिर मैं आपको ये फाइल भेजूंगा आज का लेक्चर, वो आप सब दोनों सर, आप ये इस तरह करें ना, आप मुझे फाइल्स भेज दें, मैं उसमें ग्रुप में शेयर कर दूंगा।
ठीक है ठीक है, और कोशिश किया क्या करो, देखो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप लोग कोशिश करो इसका प्रिंट आउट अपने पास रखो, ठीक है, वो तो ग्रुप में व्हाट्सएप पे तो होगा, इसका प्रिंट आउट भी आपके पास होना चाहिए ताकि आप एक समझो कि बुक तैयार कर रहे हो, है, ताकि उससे आप पढ़ते भी रहो, समझ गए? ओके सर, जी सर समझ गए। हाँ, इस तरह आप उसका प्रिंट आउट रखो, बहुत से मैं कोशिश करूंगा आपको मल्टीपल च्वाइसिस के क्वेश्चन भी सेंड करूंगा, तो वो भी आपने उसका प्रिंट आउट निकालो ताकि फिर उसको पढ़ते रहो, कॉल करते रहो, ठीक है, मोबाइल पे तो इतना नहीं पढ़ सकते ना, प्रिंट आउट होगा आपको तो उस तरह से आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है, मुझे रिमाइंड कर देना, ठीक है, अब क्लास को फिर हम एंड करते हैं, कहिए सर भाई इजाजत है? यस सर, ठीक है, और स्टूडेंट की आवाज भी आ रही है? यस सर, यस सर।